मामी जी, वो भूत मैं था। क्या? I mean, भूत नहीं था, मैं था जो इन्हें छुप के डरा रहा था। क्या क्या बोल रहे तू? प्रैंक था मामा जी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया थोड़ा। यही है तुम्हारा लकी चार्म, जिसे तुम खुददार, जिम्मेदार, वफादार और ना जाने कौन कौन सा दार कहते रहते हो। बाप एलियन एलियन करते गायब हो गया और बेटा भूत बनकर हमें बेवकूफ बना रहा है। बिंदु प्लीज बस करो। जो सच है वो है, बाप ने अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट फंड्स का यूज किया और बेटा अपने फायदे के लिए हमें यूज कर रहा है। अब खून अपना रंग तो दिखाएगा ही ना। बहुत बड़ी गलती होगी मामी जी, I'm really sorry। हाड़ में जाओ तुम सबके साथ। Are you kidding me? नहीं, ये क्यों नहीं बोल रहे कि वीर इसका बॉयफ्रेंड नहीं है? एक तरफ वीर को सीक्रेट बॉयफ्रेंड और दूसरी तरफ मुझे इग्नोर कर रही है। नहीं, मुझे इसको ना पता नहीं है, जो गेम खेल रही है ना उसके रूल्स रॉकी ने बनाए हैं। सर अभी भी अपना मेरी बारी है गेम खेलने की। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो मामी ने डिसोन कर दिया हमें। पापा जब वो आपको टारगेट करती है ना तो अपना तो टाइम ही खराब चल रहा है। कोई भी सीन नहीं जम रहा, ना इनडोर ना आउटडोर। उधर जारा से पूछा हम आपके हैं कौन, तो कहती पहले तुम बताओ तुम हो कौन। बेसिकली उसने क्लियर कर दिया कि उसकी साइड से जीरो फीलिंग्स है। बस हो गया पापा, आप वापस आ जाओ, कुछ नहीं रखा है लाइफ में। तुम तो बहुत पावरफुल हो, किसी को भी गायब कर सकती। मैंने बहुत मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है, प्लीज पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। बहुत भटका हूं मैं तेरे लिए, पर अब मुझे लगता है तू यही है मेरे बहुत पास कहीं। क्या हो गया मुझे? मैं ऐसे फ्रीक आउट नहीं कर सकती, ऐसे डर डर के नहीं रह सकती। I have to get over it। मुझे उसे भूलना होगा। मैम डिसाइड तो हो गया था ना कि कोई किसिंग सीन नहीं रहेगा, वो भी मेरी साइनिंग से पहले। लेकिन पिक्चर तो अभी बन रही है ना ज़ारा, साइनिंग के बाद। पर मैंने रशेस देखी एंड टू टेल यू फ्रैंकली बहुत फीका लग रहा है। पर मैम शूट तो उतना हुआ ही नहीं है अब तक,
जारा डार्लिंग हम लोग लव स्टोरी बना रहे हैं, कोई भजन वीडियो नहीं। नमक नहीं होगा तो पब्लिक नहीं आएगी थिएटर में। I get it, ma'am. ये वैसी वाली लव स्टोरी तो नहीं है। स्वीटहार्ट, ये किसिंग सीन स्क्रिप्ट की ही डिमांड है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओ माय गॉड जारा, तुम कौन से जमाने में स्टक हो? इट्स जस्ट अ किस। हम तुम्हें एक्सपोज करने के लिए नहीं कह रहे। I'm sorry, पर मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या यहाँ? मेरी तो नेचर ही अंडरस्टैंडिंग। तुम चाहो तो अपने मामा जी से पूछ सकती हो, बट अब तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो तो प्लीज तुम हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तुम तो जानती हो ना, मेरी रॉकी की लॉन्च फिल्म है, तो वैसे अच्छा है कि तुमने अभी से क्लियर कर दिया। ज्यादा सीन्स शूट हुए नहीं है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारे सीन्स नए हीरोइन के साथ रीशूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ थोड़ा लॉस जरूर होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा पूरा अमाउंट क्लियर कर दूंगी। ये यहां कैसे आई? मैंने तुम्हें वहां रखा था। एक चैलेंज क्या दिया, तुम तो भागने लग गई। हैं? कमिटमेंट से डर लगता है ना। इसे क्या हो गया? प्रोफेसर भटकल, मैम मैम, आप एक किसिंग सीन की वजह से मुझे मूवी से हटा नहीं सकते मैम। अब तुम कंफर्टेबल भी तो नहीं हो ना जारा, हम तुम्हें फोर्स तो नहीं ना कर सकते स्वीट हार्ट। वो ऐसी बात नहीं है। I'll try. I knew it कि तुम एक बहुत ब्राइट गर्ल हो। छोटी सी चीज के लिए तुम अपना करियर खराब नहीं करोगी। एंड डोंट वरी, हम ये किसिंग सीन बहुत ही एस्थेटिकली शूट करेंगे। इनफैक्ट मैंने एक रिवाइज्ड स्क्रिप्ट तुम्हारे घर पर भी भिजवा दिया, तब तो शायद पहुंच भी गई होगी। क्या घर पे? हाँ मैं देखती हूँ। भैया जल्दी चलिए। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मॉम। अरे जब मॉम है तो नो टेंशन माला, और तेरी इस लव स्टोरी का स्पाइसी स्कूप तो मैं ही बनाऊंगी। कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट की जाती हैं और उनका फायदा कैसे उठाया जाता है, उसकी मैं एक्सपर्ट हूं। तू बस अपनी एक्टिंग की ओर फोकस कर, ओके? ओके। मेरा सारा ध्यान ना जारा की तरफ है मॉम। प्लीज जल्दी चलिए। बस एक बार पढ़ जाए, एक्टिंग तो यूं कर लूंगा मैं। पर उसका फोकस मुझसे हिल रहा है, क्योंकि जो बंदर वीर है ना आसपास ज्यादा मंडरा रहा है उसके। कुछ करना पड़ेगा उस वीर का। प्रोफेसर भटकल एक तरह से पापा के गुरु जैसे ही थे, पापा बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। लेकिन तुमने उनकी तरफ क्यों पॉइंट किया? कोई कनेक्शन है क्या? पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है, अल्जाइमर्स। एक बार मैंने भी कोशिश करी थी उनसे बात करने की, पर उन्हें अब कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर तुम कहती हो तो एक बार ट्राई मार ही लेते हैं। भैया कोई अंदर तो नहीं गया ना? शूटिंग से एक लड़का आया था पार्सल लेके, मेरे को लगा आपका गिफ्ट होगा। आपने जाने दिया? ऐसे कैसे जाने देता, बोल दिया मैडम जी अब्सेंट इन होम। क्या मैडम घर पे नहीं है? और अगली बार से वही कहना जो मैंने बोला है। ओके, मैडम जी से अपॉइंटमेंट बिना कोई नहीं मिल सकता, कॉल द मैनेजर। चलो जरा। क्यों? मर्डर हुआ है।
अरे मैडम कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, मैं ज्योतिष थोड़ी है। अंबे सॉरी सर। मिसेस डोकावाला ये सब कैसे हुआ? हैप्पी एनिवर्सरी। अरे साहब आपने बताया नहीं आज आपका एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी साहब। तांबे आज मेरा एनिवर्सरी नहीं है। कुछ रुष्टम मेरे लिए रिंग लाया था और मुझे बोला हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। वाव इस रिंग में कुछ जादू है क्या? क्यों मैं रिंग से आंख हटा नहीं पा रही। रुष्टम कौन है? कौन है तू? आओ गोली मार दूंगा। मर्डर कर दिया मेरे रुष्टम का। मेरा हाथ का बनाया वो फ्रूट केक भी नहीं खा सका। क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकती है? सर ये बाजू वाले बंगलों से। चाइला सुग्रीव? सुग्रीव नहीं सर, वीर। तेरा नाम वीर है क्या? पता नहीं सुग्रीव कैसे चढ़ गया जबान पर। ऐ तांबे तू यहाँ पे आ गया अपने बाप को ढूंढने के लिए? नहीं सर मैं इधर बगल में रहता हूँ। इधर ही तेरे जैसा कंगला ऐसे बंगले में कैसे रहे? डोंट माइंड अ मामा का मामी का घर है सर। कल रात रुस्तम डोकावाला का कोई मर्डर कर दिया। ओह गॉड। मतलब तूने कुछ नहीं देखा? कौन था सर? अरे पता होता तो तेरे साथ इधर टाइम पास करते क्या हम लोग? तांबे कहाँ टाइम पास चल रहा है? ए टाइम पास चल निकल चल। देख तांबे पूरा एरिया का स्पॉटिंग देख सकते। ओ सेफ 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 तू गया ला। अरे मैं काटना बाहर चला मार तो उनका बगा दुबारा है। ओ अंदर दवा खाना चला लोग चल चला 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 क्यों ना चला। मिसेस डोकावाला प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए कैसे दिखता था वो। क्या आपने पहले कभी उसे देखा है? ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। वो मॉन्स्टर था या एलियन था? शायद एलियन ही था। तांबे जी साहब जैसे सावन के अंधे को हर जगह पे हरा हरा नजर आता है ना, अच्छा वैसे ही इस एरिया के लोगों को हर जगह पे एलियन एलियन नजर आ रहा है। सही है साहब। पहले वो वीर और उसका वो साइंटिस्ट बाप, हर अभी रुस्तम और ये आंटी भी। ये सारे बेवकूफ लोगों के केस मेरे पास क्यों आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कोई एलियन पकड़ में आएगा ना साहब तो उसको मैं नक्की पूछेगा। तांबे चलिए ना सर चलिए चला। एलियन देखा है तूने? कैसा? चल दिखाता हूँ। अगर अर्जेंट नहीं होता तो इतनी रिक्वेस्ट क्यों करता? पहले ये बताओ कौन लगता है तुम प्रोफेसर भटकल का फ्रेंड? फैमिली फैमिली फ्रेंड। अभी ये बोलो इतना अर्जेंट है तो विजिटिंग आवर्स में काय को नहीं आया? हाँ बहुत ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रोफेसर भटकल का स्पेशल केस है, तुम शाम को विजिटिंग आवर्स में आएगा तो मैं ट्राई करेगी। हाँ लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि तुम मिलेगा कि नहीं। कोशिश कीजिए ना बस पाँच मिनट प्लीज बस पाँच मिनट। बोला ना तुमको अभी जाओ शाम को वापस आना। महाबली असुर को भेजा जाएगा एक ऐसी कालकोठरी में जो बसी है जीवन और मृत्यु के ठीक बीच में। क्या वहां काम आएगा उसका बल, मतलब उसकी प्रबल बुद्धि, या फिर टूट के बिखर जाएगा उसका पहाड़ जैसा घमंड?
कालंतक का अर्थ तो नहीं जानता होगा धनश, वो जो काल को रोकते हैं। धनश, तुम्हारे जीवन की गति के साथ साथ ये कोठरी तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मस्तिष्क को बंदी बना लेगी। कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे वश में। मुझे तो बहुत अफसोस है कि तुम्हारे जैसे वीर असुर की ऐसी दयनीय मृत्यु हो रही है। मर जाएगा तो बच जाएगा, अगर गलती से भी दंश बच गया उसकी स्थिति मौत से भी बदतर हो जाएगी। ऐसा क्यों अचल? कलंतक कालकोठरी में जाकर बड़े बड़ों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है विचल, और फिर दर बदर इधर उधर घूमते रहते हैं जीवन भर, क्योंकि वहां उसका सामना हो सकता है उसके अतीत से, और ये आधी नस्ल का असुर इसका भार संभाल नहीं पाएगा, रेत के महल जैसा ठह जाएगा। दंश, प्यारा दंश। यदि ऐसा हुआ तो हमारे वर्षों का परिश्रम, हमारी योजना विफल हो जाएगी। दंश को खोना असुरों के हित में नहीं है। अलविदा मित्र, जल्दी मिलना मत। ये अचानक से क्या हो रहा है? ये चीखें सुनाई दे रही है, आज इनमें वो दहाड़ कहां? यही तो सुनना चाह रहा था मैं। बस कुछ देर और, फिर ना तो ये चीखें रहेंगी और ना ही दंश। यही तो मैं चाहता था। अब ये यंत्र मुझे मेरी चेतना के उस स्तर तक ले जाएगा जहां से मैं पहुंच सकूं इस हार के मालिक तक, जो है मायावी अंगूठी का धारक। अब ये हार ही बनेगा मेरी जीत का कारण। देखिए, अल्जाइमर पेशेंट से रैंडम कोई भी आके मिल नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं ना वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सर, मैं रैंडम कोई भी नहीं हूँ, मैं उनकी फैमिली जैसा हूँ। हाँ तो फैमिली के लिए विजिटिंग आवर्स है ना, शाम को आ जाइए। सर, पर शाम को कैसे आऊं? तब तो शूट चल रहा होगा ना। बस कुछ ही क्षणों की बात है धनश, जैसे बिना आहुति के किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वैसे ही बिना परीक्षा के किसी को भी वो अंगूठी मिल नहीं सकती। ये पीड़ा तुम्हें सहनी ही होगी। इस हार का ही सहारा है, इसी के माध्यम से मुझे उस मानव तक पहुंचना होगा। बता मुझे, किसने छुआ तुझे? क्या कहानी है तेरी? सब मेरा रास्ता रोके खड़े हैं। आई विश किसी तरह सबको टॉर्च कर पाता और प्रोफेसर भटकल तक पहुंच पाता। पहुंच पाता क्या, पहुंच सकता हूं।
या फिर कर लूं गायब मोड ऑन। अचानक ये सब रुक कैसे गया? मर गया तंश। ये गलियारा कहां का है? मुझे उस मानव तक ले चल जो इस हार का मालिक है, जो मेरी मुट्ठी से मायावी अंगूठी चुरा कर ले गया। यही